हाई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पीजी बायोलॉजी। दिस इज़ फवाद हुसैन एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इन जेनेटिक्स। दिस टॉपिक इज़ टेकन फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 इनहेरिटेंस। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड बायोलॉजी। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक को हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, कि न्यूमेरिकल फॉर्म में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिक। जबकि प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कि इट इज़ द चांस ऑफ इवेंट टू अकर। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ना है वो है रूल्स। द फर्स्ट वन इज़ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल। द सेकेंड वन इज़ रूल ऑफ एडिशन और सम रूल। द फर्स्ट वन इज़ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल। जब मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल की बात आती है तो आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए एंड। मीन दैट कि जिस प्रॉब्लम या उसके सोल्यूशन में एंड आ जाए, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पर आ जाए एंड एंड, तो आपके माइंड में आना चाहिए प्रोडक्ट रूल। मीन दैट एंड इक्वल टू एक्स, एक्स मीन मल्टीप्लिकेशन, मीन दैट एंड इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। अक्सर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में या इवन कि ईटा के क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हम कौन से रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करें, प्रोडक्ट रूल करें या सम रूल करें, क्योंकि स्टेटमेंट तकरीबन सेम होता है। तो इसका एक पॉइंट ये है कि जब आप उसको सॉल्व करने लगो और सॉल्व करने में जहाँ पर एंड आता है तो उस एंड को आपने मीन के कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में। जहाँ जहाँ पर एंड आता है उस एंड की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन लगाना है। अब यहाँ पर इसका डिफिनीशन कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकर टुगेदर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। मीन दैट अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो एक इवेंट का या मोर देन टू इवेंट्स का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। कैन मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट द हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा है कि अगर टू क्रॉस, अगर हम क्रॉस करें हेट्रोजाइगस को, टू हेट्रोजाइगस पेरेंट को, यहाँ पर एक रेड कलर में पी है कैपिटल, एक स्मॉल पी है ब्लू कलर में। तो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट और स्मॉल पी रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव को। मीन रेड रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट को और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा रिसेसिव को। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हेट्रोजाइगस का क्रॉस हो गया है। अब इस क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि होमोजाइगस रिसेसिव आ जाए, मीन टू ब्लू पी आ जाए। तो इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सोल्यूशन में देखें कि हमारे पास पहला जो पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रिसेसिव पी फ्रॉम एग। अब यहाँ पर एक बात समझो कि हमारे पास जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है जेनेटिक कम्बिनेशन में, तो उसमें जो हाफ कंट्रीब्यूशन है वो एग का होता है और हाफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पर्म। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी आप रिसेसिव एग कितना है वो हाफ है। एंड यहाँ पर एंड का वर्ड आया, तो एंड आया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रिसेसिव स्पर्म के रिसेसिव, हम यहाँ पर बात रिसेसिव करेंगे, एक हो तो एक भी रिसेसिव, स्पर्म है तो वो भी रिसेसिव, क्योंकि हमको टू ब्लू पी चाहिए। तो एक पी एक से, दूसरा स्पर्म से, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ है। तो हमने क्या कर दिया, एक का भी हाफ और स्पर्म का भी हाफ। अब इसके मिड में आया है एंड आया है इसके सोल्यूशन में, तो एंड आया, एंड किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट रूल को। अब इसके सोल्यूशन को देखो कि वन ओवर टू एन टू
1 over 2 equal to 1 over 4 and 1 over 4 equal to 25%. यहाँ पर 1 over 2 मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है. इस मल्टीप्लीकेशन का साइन है कि मिड में इसका क्या है, एंड है, और इसके बाद हाफ आया. तो एक हाफ एक का और दूसरा हाफ स्पर्म का. जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1/4 मीन 25%. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सिंपल क्रॉस कर दें, टू हेट्रोजाइगस फ्लावर को अगर हम प्लांट को क्रॉस कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ऑफस्प्रिंग आएगा इस सिंपल क्रॉस में, तो हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग बनेंगे. उस 4 ऑफस्प्रिंग में से एक हमारा रिक्वायर्ड होगा जो है होमोजाइगस रिसेसिव होगा. तो मतलब ये हुआ कि 4 में से 1 जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा. तो हमारे पास आंसर क्या आया, 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव. स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, पहले भी मैंने आपको बताया कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं कि 1000 में हो, और इसके मुकाबले में जो दूसरा सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा या हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दिया गया है. तो इसी क्वेश्चन को के ऊपर अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, आया ये रिजल्ट सेम आता है प्रोडक्ट हुआ या कुछ और आता है, या समझो कि इसका प्रूव हम करते हैं. तो ये क्वेश्चन है जिसको सर्कल किया गया. अब ऊपर मैंने दे दिया है क्लियर कि डोमिनेंट जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, जिसका कलर है रेड, और रिसेसिव जीन या अलील को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल पी से, जिसका कलर है हमारे पास ब्लू. अब यहाँ पर मेंडेलियन क्रॉस हम करेंगे. हमारे पास ये जो है ये पेरेंटल जनरेशन, मतलब कि ये हमारे पास गिवन है कि हेट्रोजाइगस को क्रॉस किया गया. तो क्रॉस करने से पहले गेमीट फॉर्मेशन होगा, गेमीट फॉर्मेशन एक साइड का भी और दूसरे साइड का भी गेमीट फॉर्मेशन होगा. गेमीट फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो क्रॉस के बाद आएगा एफ वन जनरेशन हमारे पास आ जाएगा. एफ वन जनरेशन में सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो है, यहाँ से हमने कैपिटल पी को क्रॉस किया, मतलब इसका कम्बिनेशन किया दूसरे कैपिटल पी से, मतलब इसमें एक रेड पी समझो कि एग है, दूसरा जो है वो हाफ वो स्पर्म का होगा. तो हमारे पास आ गया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ये होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा. द सेकंड वन इज़ कि ये कैपिटल पी रिसेसियो से या स्मॉल पी से क्रॉस करे तो हमारे पास ये इंडिविजुअल बन जाएगा, हेट्रोजाइगस बन जाएगा. द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज़ कि रिसेसियो पी एंड डोमिनेंट पी, एंड द फोर्थ इज रिसेसियो पी एंड रिसेसियो पी. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया कि अगर हम ऊपर वाले जो क्रॉस दिया हुआ है इसको हम क्रॉस करें तो जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास ये 4 रिज़ल्ट आएंगे. इस 4 रिज़ल्ट में से हमारे पास जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन वो क्या है कि होमोजाइगस रिसेसियो कितने होंगे. तो इसमें से देखो एफ वन जनरेशन में जो रिक्वायर्ड है वो कौन सा वाला है, वो रिक्वायर्ड हमारे पास ये वाला आ गया. इसमें से कोई और ऐसा नहीं है, होमोजाइगस रिसेसियो नहीं है. तो मीन दैट कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4. तो मतलब इन 4 में से एक जो है हमारे पास वो आ गया होमोजाइगस रिसेसियो. तो हमारा जो क्या है रिजल्ट है वो आ गया 1/4 मीन दैट के 4 में से एक जो है वो होमोजाइगस रिसेसियो है. तो अगर इस साइड में हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स को अप्लाई किया तो सेम रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/4. तो मीन दैट के स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम लार्ज क्वांटिटी में अगर हमने किसी डेटा को प्रोसेस करना है तो फिर हम ये लेफ्ट साइड वाला जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर स्मॉल डेटा हो तो फिर हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन दैट रिजल्ट सेम. ओके, द नेक्स्ट इज द रूल ऑफ एडिशन और सम रूल. जिस तरह के प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको बात बताई थी, तो सेम यहाँ पर सम रूल में एक बात है, इसको हम कहते हैं और. मीन दैट कि जिस प्रॉब्लम में या उसके सोल्यूशन में और आता है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सम रूल आना चाहिए. और इस ऑल और इक्वल टू प्लस मीन दैट कि जहाँ पर आर आ जाएगा, ओ आर आ जाएगा आर, तो आपके माइंड में आ जाएगा प्लस आना चाहिए और साथ में आ जाना चाहिए सम रूल.
ये डिफिनेशन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन अकर इन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेव्स इज द सम ऑफ सेपरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट वेव्स। अब इस रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, सेम है, लेकिन इसमें से जो चेंज किया गया है वो लास्ट सेंटेंस में है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटरोजाइगोट। अब इस क्वेश्चन को ज़रा और से देखें कि अगर क्रॉस हमारा पास वही है, हेटरोजाइगस है, अगर दो हेटरोजाइगस क्रॉस हम कर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, हेटरोजाइगोट का प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए कि एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, एक डोमिनेंट पी एक रिसेसिव पी, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटरोजाइगस कहते हैं। इस हेटरोजाइगस का प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए, तो अब इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन में देखो कि हमारे पास दो तरीके हैं, टू वेज है हेटरोजाइगस को बनाने के लिए। पहला कौन सा होना चाहिए, पहला तरीका कि हेटरोजाइगस कैसे बनना चाहिए या कैसे बनेगा, तो हेटरोजाइगस का सबसे पहले माइंड में लाओ कि हेटरोजाइगस मीन दैट के वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। तो पहले जो तरीका है इसमें कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डोमिनेंट स्पर्म, के जो स्पर्म है हमारे पास वो डोमिनेंट होना चाहिए, एंड फिर वो एंड आ गया, तो यहाँ पर जो एंड जहाँ जहाँ पर आएगा तो आपके माइंड में वही आ जाना चाहिए प्रोडक्ट, अगर और आ जाए तो और से आपके माइंड में आ जाना चाहिए सम। पहले जो वे है तो वन डोमिनेंट स्पर्म हाफ एंड वन रिसेसिव एक हाफ, क्योंकि पहले मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि कोई भी कम्बिनेशन बनेगा तो उसमें हाफ कंट्रीब्यूशन जो है वो स्पर्म का होता है, हाफ कंट्रीब्यूशन इसमें होता है एक। तो यहाँ पर पहला जो है ऐसा भी हो सकता है कम्बिनेशन कि हेटरोजाइगस में जो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव होना चाहिए, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होना चाहिए, तो इस पहले वाली कंडीशन में जो डोमिनेंट है वो क्या है, यहाँ पर स्पर्म भी हो सकता है, जो रिसेसिव है वो इस कंडीशन में एक है, और या ऐसा भी हो सकता है कि इस कम्बिनेशन में जो हाफ स्पर्म है वो क्या हो, वो रिसेसिव हो, रिसेसिव स्पर्म क्या है, यहाँ पर स्पर्म क्या है रिसेसिव, एंड जो एक है वो यहाँ पर क्या है, वो एक यहाँ पर डोमिनेंट है। दो अलग अलग कंडीशन है, हमने बनाना क्या है हेटरोजाइगस, तो दो तरीकों से हम हेटरोजाइगस बना सकते हैं, एक में हमारे पास जो स्पर्म है वो डोमिनेंट और एक रिसेसिव, जबकि दूसरा प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ सकती है कि एक हमारे पास जो है वो डोमिनेंट और स्पर्म जो है वो रिसेसिव हो सकता है। अब इस वाले लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी है हेटरोजाइगस का तो वो यही है कि अगर डोमिनेंट स्पर्म वन ओवर टू, फिर इसके मिड में आया है एंड, तो जहाँ पर एंड है वहाँ पर नीचे आपने लगाना है कौन सा साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, फिर नीचे रिसेसिव एक का आपने हाफ लगा दिया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया वन ओवर फोर आ गया। सेम राइट साइड पर आप देखते हैं तो राइट साइड पर भी आपको वही कंडीशन वही रिजल्ट आया वन ओवर फोर। अब लेफ्ट साइड पर देखें ज़रा, इस पूरी बात को समराइज मैंने किया है कि डोमिनेंट इसमें इस वाले में कि डोमिनेंट स्पर्म है और रिसेसिव एग है, हमारे पास रिजल्ट वन ओवर फोर आया। राइट साइड पर भी वही है कि हमारे पास रिसेसिव स्पर्म है और डोमिनेंट एक है, तो हमारे पास आ गया वन ओवर फोर आ गया। मिड में क्या है, और है, मतलब कि या ऐसा भी हो सकता है और उस तरीके से भी हो सकता है। अब हम आते हैं इस रूल की तरफ कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड से वन ओवर फोर है कि ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है कि डोमिनेंट स्पर्म और रिसेसिव एग हो, वो भी वन ओवर फोर है, या आर, जब आर आएगा तो आर से आपके माइंड में वही बात आनी चाहिए कि आर से रिलेटेड है प्लस, मतलब प्लस आ गया तो प्लस मीन कि ये डायरेक्टली आपके माइंड में आएगी, ये सम रूल है। राइट साइड से भी कि इसमें ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है कि रिसेसिव स्पर्म और डोमिनेंट एग हो, तो वो भी वन ओवर फोर, तो वन ओवर फोर लिख गया, इससे हमारे पास आ जाता है वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर, तो आ जाता है टू ओवर फोर, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है वन ओवर टू, मीन दैट 50%। अब हमारे पास जो आंसर इसका आया तो वो क्या है कि 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटरोजाइगोट, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड था, हमको जो क्वेश्चन हमसे मांगा गया था तो वो क्या था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटरोजाइगोट कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, रेड पी एंड ब्लू पी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया आंसर के 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेटरोजाइगोट हमारे पास आ जाए। अब इसको सेम वही हम मेंडेलियन जेनेटिक्स
इस पर रिप्लाई करता है कि आया इसका रिजल्ट क्या आता है, या इससे वो आपको और क्लियरली वाजे हो जाएगा। तो ये हमारे पास वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले वही क्रॉस है कि हेटरोजाइगस को मैंने क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने से पहले मैंने गेमिट्स फॉर्मेशन करना है, गेमिट्स फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कर दी। इसके बाद F1 जनरेशन इसका आएगा, मतलब इसको मैंने जितना भी इसके प्रोबेबिलिटी है तो मैंने इसके ऑफस्प्रिंग बनाने हैं। सबसे पहले जो मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने डोमिनेंट पी और डोमिनेंट पी को अगर मैंने मिला दिया तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल पी आ जाता है। डोमिनेंट और रिसेसियो की प्रोबेबिलिटी में आ जाता है एक डोमिनेंट एक रिसेसियो, तो ये हमारे पास हेटरोजाइगस आ गया। द सेकेंड रिसेसियो पी एंड डोमिनेंट पी, तो हमारे पास फिर वही हेटरोजाइगस आ गया। एंड द लास्ट वन एज रिसेसियो पी एंड रिसेसियो पी, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है टू रिसेसियो पी, मीन दैट होमोजाइगस रिसेसियो। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड ऊपर आप देखें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो हेटरोजाइगस है, जो है के रेड एंड ब्लू पी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस वाले में हमारे पास आ जाता है ये भी हमारा रिक्वायर्ड है एंड ये भी हमारा रिक्वायर्ड है। तो ये टोटल हमारे पास बन गए कितना, टोटल हमारे पास आ जाता है 1, 2, 3, 4, और जो हमारा रिक्वायर्ड है वो है 2। तो मीन दैट कि 2 out of 4 जो है वो क्या है, वो हेटरोजाइगस है। इसको वही तरीके से सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 1 over 2, और सिंपली हम कह सकते हैं कि 50% आ जाएगा। मीन दैट 50% का मतलब ये है कि देखो टोटल 4 है, तो 4 का हाफ जो है 50% वो हमारा रिक्वायर्ड आ गया हेटरोजाइगस। मीन दैट अगर 100 प्लांट है तो 100 में से 50 प्लांट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आएगा हेटरोजाइगस। तो वही हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।